हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है सत्यभामा ये एक तेलुगु फिल्म है तो तेलुगु हिंदी ये सभी जो वर्जन है इस फिल्म का तो कैसे कहां पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक जानकारी मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सत्यभामा जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था ख़ुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्ज़न की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्ज़न के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज न, नागे निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकांत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स राज श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहां पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार बाईस में तैयार किया गया था दो हज़ार बाईस के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सीडियल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के साल लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबैक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्य भामा फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ ख़ास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन बारह वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ ऐसा जो सत्यभामा है वो एक का एक सीसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कोब के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को ऑफ लिट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है फ़र्स्ट हाफ आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसिस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे करती है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्यभामा वैसे देखा जाए तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर ओकर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिशियस अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचारण पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो कि रीज़न्स थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नज़र आने लगते लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी इसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटन डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करते हुए नजर आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्या भामा की ऐसी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को अपने अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरे में अनवॉन्टेड कन्फ्यूज़न वाले सीस नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो को रिलीज़ किया था जिसको एम के ऊपर करीबन करीबन 6.4 की रेटिंग मिली 10 में से 1200 वोट मिले हुए 2.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डप्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य भामा नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ट वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ट वर्जन में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्याभा फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने का तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि ये फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्ज़न के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज़ में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंता रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर म्यूज़िक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहां पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार बाईस में तैयार किया गया था दो हज़ार बाईस के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग शेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और दो में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है, उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कमबेक कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगू वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबैक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस तो की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन 1200 सौ वोट हासिल किए थे जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्या यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है जिंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जो ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक का एक सीसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हसबैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते हैं डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने करते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो जरा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आते हैं फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्संस उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर सेडो कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ़ है वो खास करके फ़िल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस परपज़ के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कंफ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से पीलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिशियस अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ है एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती है डिब्यूट डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करते हुए नजर आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला के बात करें सत्याभा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को अपने नया अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंशन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नरे सन्समैनों कंफ्यूजन वाले सीन्स नजर आते हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सांचुन 2024 को रिलीज किया था जिसको IMDb के ऊपर करीबन करीबन 6.4 की रेटिंग मिली 10 में से 1200 वोट मिले हुए 2.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलगू वर्जन के लिए हिंदी डप्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्या नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी पे देखना है तो तेलगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ड वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमामा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ड वर्ज़न में आपको ये फिल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सत्या जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने का तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल ने जहां पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन 10 करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टाइम में सिनेमाटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने एक मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्ज़न में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए एड़, टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022-23 में तैयार किया गया था दो हज़ार के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग शेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है, उस टाइप का रोल उन्हों, उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक लीड रोल में कम किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्य फ़िल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस तो की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन 1200 सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ ऐसा जो सत्यभामा है वो एक का एक, एक सिंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टोक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने करते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्संस उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्में जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नजर आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस परपज़ के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकेंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल cool मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिशियस अटेम था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ है एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूट डायरेक्टर सुमन चिकला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स देखने को मिलते जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला के बात करें सत्या भामा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को आप नए अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश किए हुए थे एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरे में अनवॉन्टेड कन्फ्यूजन वाले सीन्स नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलगु वर्जन के लिए हिंदी डप्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य भामा नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी पे देखना है तो तेलगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डाउड वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ड वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन 10 करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था ख़ुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि ये फिल्म करीबन आपको दो घंटे और 12 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए एड, टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पक्ल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज न, नागे निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते हुए आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकांत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज़ किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू गौशाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार में तैयार किया गया था भारत दो हज़ार के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम बैक करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के साल लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है, उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक लीड रोल में कम किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्य फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज़ एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई एन पे इस फिल्म ने करीबन 1200 सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ ऐसा जो सत्यभामा है वो एक का एक, एक सेंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टोक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कोब के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आती वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मूवमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आती वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिशिय अटेम था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचारण पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती हैं डेब्यूट डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करते हुए नजर आते है, जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्या भामा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहां पे काजल अग्रवाल को अपने नया अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंशन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफी स्टाइलिश नजर आते नेरे सन्समैनों अनवांटेड कंफ्यूजन वाले सीन्स नज़र आते हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्य फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन छः की रेटिंग मिली दस में से बारह वोट मिले हुए दो करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फिल्म को सेम नाम यानी कि सत्य नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ड वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ड वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्काला शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटोडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल पिल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है, पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने एक मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए एट, टू जेड एट चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कम्पोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज़ में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज न, नागे निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंता रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहां पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोशाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022-23 में तैयार किया गया था दो हज़ार के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग शेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम बैक करते हुए नजर आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह एस सकते हैं ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम बैक के सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबेक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम बैक करते नजर आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई एन पे इस फिल्म ने करीबन 1200 वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक का एक सिंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली देफिन, आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर सेड कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते है, चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिश अटेम था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचारण पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी इसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटन डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्य भामा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को आप नए अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरेसंस में अनवान्टेड कन्फ्यूजन वाले सीस नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जिसको आईएमडीपी के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फ़िल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य भामा नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ट वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ट वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने का तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल पिल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फ़िल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्ज़न की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए एड, टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज़ में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंता रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूज़िक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहां पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022-23 में तैयार किया गया था बाद दो के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सीडियल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम बैक करते हुए नजर आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह एस सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम बेक के सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबेक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्य भामा फिल्म के साथ वो कम बैक करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफिनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था आई एन पे इस फिल्म ने करीबन बारह सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक एक सिंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कोब के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को ऑफ लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आती वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर सेड कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ़ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नजर आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस परपज़ के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकेंड हाफ के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीजें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीजें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मजा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो कि रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नज़र आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी इसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटन डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लाट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्य भामा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को आप नए अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरेसंस में अनवॉन्टेड कन्फ्यूज़न वाले सीस नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फिल्म को सेम नाम यानी कि सत्य भामा नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ट वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फिलहाल में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ट वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुमन चिकाला ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिकाला शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटोडो ने का तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टकल पेल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि ये फिल्म करीब आपको दो घंटे और 12 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्ज़न के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कम्पोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज़ में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंता रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूज़िक राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहां पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार में तैयार किया गया था दो हज़ार के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सीडियल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबैक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन 1200 सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्या यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है जिंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जो ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक का एक सेंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते हैं डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने करते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आते हैं फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसिस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर होकर काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ़ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नजर आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस परपज़ के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कंफ्यूजिंग नज़र आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ है एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी, थी इसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करते हुए नजर आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला के बात करें सत्याभा की एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को अपने नया अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने रखने की कोशिश किए हुए तो एक अच्छा इंटेंशन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफी स्टाइलिश नज़र आते नरे सन्समैनों अनवांटेड कन्फ्यूज़न वाले सीन्स नज़र आते हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फ़ैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून 2024 को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन 6.4 की रेटिंग मिली 10 में से 1200 वोट मिले हुए 2.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलगु वर्जन के लिए हिंदी डप्ट वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी पे देखना है तो तेलगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ट वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ट वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्यभामा फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे सत्याभा दो हजार चौबीस की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटरडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी ओरम आर्ट्स के नीचे करीबन 10 करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था ख़ुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि ये फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्ज़न में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कराए उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकांत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक का राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू गोशाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रेक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल, चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार बाईस में तैयार किया गया था दो हज़ार बाईस के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग शेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है, उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कमबेक कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबेक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फ़िल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन बारह सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जो ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्य भामा है वो एक का एक सीनसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्या भामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्य भामा हसीना को उसके टोक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते हैं डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने करते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आती वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए मैसेज कन्वे करती है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया है वो भी उतना कुछ ख़ास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ़ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य का जो एक अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड्स स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ है एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती है डिब्यूट डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्या भामा एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को आप अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरेस में अनवॉन्टेड कन्फ्यूजन वाले सीन्स नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलगू वर्जन के लिए हिंदी डप्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी पे देखना है तो तेलगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ड वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डवट वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटोडो ने का तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल पिल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन 10 करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि ये फिल्म करीबन आपको दो घंटे और 12 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए, ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पक्ल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कम्पोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज न, नागे निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते हुए आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकांत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक का राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास एक बेकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स श्री चरण पाकला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार बाईस में तैयार किया गया था दो हज़ार बाईस के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम करते हुए नज़र आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम कह सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक लीड रोल में कम किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज़ एक्ट्रेस के तौर पर लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन 1200 सौ वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ ऐसा जो सत्यभामा है वो एक का एक सीनसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टोक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कोब के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को ऑफ लिट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नजर नहीं आती वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नजर आते हैं जहाँ पे कब का, काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्संस उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफ़िनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे करती है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर सेड होकर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आती वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ है काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया है वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नजर आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिशिय अटेम था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ है एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूट डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला के बात करें सत्य भामा की ऐसी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को आप नया अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हैं उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सन सिक्वेंस से जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नरे में अनवॉन्टेड कन्फ्यूज़न वाले सीन्स नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जिसको एम के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलगू वर्जन के लिए हिंदी डप्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फिल्म को सेम नाम यानी कि सत्य नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ड वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फ़िलहाल में अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ड वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्याभा फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुमन चिक्का ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिक्का शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटोडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टकल पेल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने एक मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पक के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज न, नागे निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकांत रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू गौशाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार में तैयार किया गया था दो हज़ार बाईस के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग सेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम बैक करते हुए नजर आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह एस सकते हैं ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम बैक किए सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कमबेक किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम बैक करते नजर आए थे भगवंत केसरी में डेफ़िनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई एन पे इस फिल्म ने करीबन बारह सौ वोट हासिल किए थे जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक का एक सिंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टोक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम यदु है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदु को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कॉप के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी पॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते हैं कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने करते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है फर्स्ट हाफ आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नजर आते जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर सेड होकर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आती वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस पर्पस के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नज़र आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकंड के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से बिलो पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक एम्बिश अटेम था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचार पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नजर आने लगते लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी जिसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटन डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सब प्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्य भामा की ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को अपने अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नरेसंस में अनवॉन्टेड कन्फ्यूज़न वाले सीन्स नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जिसको आईएमडीपी के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य भामा नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ड वर्ज़न है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो सत्य भामा फिल्म है अभी फिलहाल में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन तेलुगू वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ड वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्याभा फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे सत्याभामा जो दो की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है सुमन चिकाला ने इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको काजल अग्रवाल नवीन चंद्रा प्रकाश राज देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लिखा हुआ है सुमन चिकाला शशि किरण टिक्का ने इस फिल्म का स्टोरी लाइन और रमेश यादमा और प्रशांत रेड्डी मोटोडो ने तैयार किया हुआ है इसके अलावा प्रोड्यूस किया हुआ है शशि किरण टिक्का बॉबी टिक्का श्री श्रीनिवास राव टक्कल पिल्ली ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी औरम आर्ट्स के नीचे करीबन दस करोड़ के बजट में एक अच्छे खासे बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ था उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था खुद की रिलीज़ थी उनकी तेलुगु लैंग्वेज के लिए जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी विष्णु बेसी ने की हुई है इस फिल्म को एडिट किया हुआ है पिकाई ने जहाँ पे कोडित पवन कल्याण उनका ओरिजिनल नाम है तो उनके द्वारा इस फिल्म को एडिट किया गया था जहाँ पे उन्होंने 132 मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सेंसर करवाया था यानी कि यह फ़िल्म करीबन आपको दो घंटे और बारह मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला था बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को करीबन करीबन दो घंटे ग्यारह बारह मिनट के साथ ही सेंसर करवाया था तो सभी गाने भी डब किए गए हिंदी वर्जन के लिए सभी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें जो फिल्म के लिए एड की गई सभी को डब किया हुआ है अब बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो श्री चांद पकल्ला के श्री चरण पकल्ला के द्वारा इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए लिया गया था उन्होंने गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किए हुए फिल्म में सिर्फ एक ही ट्रैक है और बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास थे जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में इस फिल्म के गानों के राइट्स ख़रीदे हुए थे लीड कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो काजल अग्रवाल ने सत्य भामा उर्फ सत्य आई का रोल प्ले किया हुआ है इनके अलावा आपको नवीन चंद्र प्रकाश राज नाग निडू हर्षवर्धन रवि वर्मा जो एमपी पी का रोल प्ले करते आएंगे नजर जिसका नाम था के रामाकंता रेड्डी और पायल राधा कृष्णन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो ये लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे बात करें इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग श्री चरण पाकल्ला ने कंपोज किया हुआ है एक ट्रैक है जहाँ पे कल्लारा नाम है उस ट्रैक का जिसको राम बाबू घोसाला ने लिखा हुआ है श्रेया घोसाल ने गाया हुआ था चार मिनट छः सेकंड का एक ट्रैक था जो आदित्य म्यूजिक के द्वारा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया था तो उनके यूट्यूब चैनल के चैनल के ऊपर ये सभी गाने आप सुन सकते हो इस फिल्म को 2022 हज़ार में तैयार किया गया था बाद दो हज़ार के एंड में इस फिल्म का प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था 2023 में प्रोडक्शन में इस फिल्म को पूरी तरह से अलग अलग शेड्यूल्स के तहत तैयार किया गया था और 2024 में इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के साथ काजल अग्रवाल काफ़ी लंबे समय के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रोल के साथ अपना कम बैक करते हुए नजर आई थी वैसे उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हुई लेकिन शादी के बाद उनके जो प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए उन्होंने एक ब्रेक जैसा लिया हुआ था कह सकते हैं ऐसा क्योंकि उनकी जो फिल्में आई हुई थी वो सभी फिल्में फिल्मों में उनका रोल तो था लेकिन जिस लेवल का उनका रोल होना चाहिए था जिस तरह के जो एक्ट्रेस है उस टाइप का रोल उन्होंने उन्होंने प्ले नहीं किया था तो प्रॉपर कम बैक के सकते इस फिल्म के साथ उनका जहाँ पे काजल अग्रवाल ने इस फिल्म के साथ तेलुगु वर्जन में एक प्रॉपर लीड रोल में कम किया था वैसे 2021 में भी उनकी फिल्म आई थी यानी कि करीबन तीन साल के बाद सत्यभामा फिल्म के साथ वो कम करते नज़र आए थे भगवंत केसरी में डेफिनेटली वो थी एज एक्ट्रेस के तौर पे लेकिन रोल उतना कुछ खास था नहीं वो इसके अलावा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया था सात जून दो को जहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था आई पे इस फिल्म ने करीबन 1200 वोट हासिल किए थे जिसमें 6.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ के सामने 2 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे यह फिल्म बॉम्ब साबित हुई थी स्टोरी लाइन के ऊपर बातचीत करें तो सत्य यानी कि काजल अग्रवाल एक सिंसियर कॉप है जो अपनी सभी मौजूदा लाइफ है ज़िंदगी है उसके ऊपर वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है भले ही वो अपनी शादी में लेट पहुंच जाए वो चलेगा लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है अपने जॉब के लिए जिस तरह से वो उसे पसंद करती है पुलिस ऑफिस की जॉब ऑफिसर की जॉब वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है तो ठीक उसी तरह उनकी शादी में भी चीज़ें देखने को मिलती है एक तरफ एक लड़की दिखाई गई हसीना जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है दूसरी तरफ जो सत्यभामा है वो एक का एक सिंसियर ऑफिसर दिखाई गए तो किसी तरह से उस ऑफिसर यानी कि सत्यभामा को अप्रोच करती है मदद के लिए सत्यभामा हसीना को उसके टॉक्सिक हस्बैंड से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है जहाँ पे जो हस्बैंड है उसका नाम येदू है इसके अलावा सत्य बाद में डिसाइड करती है कि वो यदू को पकड़ेगी और उसके बाद में उसको सजा दिलवाएगी जहाँ पे अब किस तरह से ये सभी चीज़ें वो करेगी हसीना का जो भाई है इकबाल वो किस तरह से स्टोरी लाइन के साथ कनेक्टेड है वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि काजल अग्रवाल पिछले कुछ समय में जिस तरह के रोल प्ले कर रही थी तो उसके सामने इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी बड़ा था मैं जैसे से फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी और इस तरह का रोल उन्होंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया था और इस रोल के साथ एक पावरफुल कोब के साथ उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो सभी चीज़ों में एक और क्रिएट किया हुआ है उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया था उनके फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते कुछ कूंस के साथ तो वो भी उन्होंने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है इसमें हाई ऑक्टेन रिस्क स्टंट देखने को मिलते डेफिनेटली वो स्टार हीरो को आपने कहते हुए देखा होगा लेकिन इस बार उसको काजल अग्रवाल ने काफ़ी अपने हार्ड वर्क के साथ उस रोल में काफ़ी एक अच्छी तरीके से एक विजिबिलिटी वाला काम दिखाया हुआ है जिसके चलते वो एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी स्मूथ नज़र आते हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है जो पूरी फिल्म को अपलिफ्ट लिट लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो काजल अग्रवाल जब भी स्क्रीन पे आती है उनके डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एक्शन सीक्वेंस पूरी फिल्म में अपने किरदार के साथ वो ज़रा भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र नहीं आते वो पूरी तरह से एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है फर्स्ट आप में आपको कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टर ने वॉचेबल दिखाए गए क्रिपिंग मोमेंट्स नज़र आते हैं जहाँ पे कब काफ़ी मल्टीपल आपको एलिवेशन वाले सीन स्लो मोशन शॉट्स काजल अग्रवाल के ऐसे देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनको इस फिल्म में जो दिखाया गया जो पोर्सन्स उनको दिया गया वो सभी चीज़ों में वो डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको स्टाइलाइज़ किया हुआ है उनका लुक काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली आपको पसंद आएगी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो काजल अग्रवाल तो ए वन क्वालिटी की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है आपको स्टोरी लाइन जिस तरह से दिखाई गई है उसमें उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी बढ़िया थी आ, इसके अलावा आ, जो मैसेज था वो फिल्म में काजल अग्रवाल जिस तरह से यूथ के लिए एक मैसेज कन्वे है वो सभी चीज़ें भी को आ, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी लेकिन क्लियरली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो बात अलग है सत्य वैसे देखा जाए तो एक इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे फिल्म डायरेक्टर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखा सकते थे काफ़ी सारी उन्होंने जो सीन्स थे ओवर कर ओवकर दिए काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी सारे प्लॉट को मिक्स कर दिया जिसके चलते चीज़ें उतनी बढ़िया नज़र नहीं आते वर्चुअल रियलिटी गेम्स डोमेस्टिक वायलेंस चाइल्ड ट्राफिकिंग टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स के ऊपर फिल्म डील करती है लेकिन स्क्रीन प्ले उसको बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं कर पाता है जिसके चलते चीज़ें पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है नवीन चंद्रा का जो इक्वेशन दिखाया हुआ काजल अग्रवाल के साथ उसको प्रॉपर शोकेस नहीं किया हुआ है प्रकाश राज नवीन चंद्रा का जो रोल दिया गया वो भी उतना कुछ खास तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ था फिल्म का जो सेकंड हाफ़ है वो खास करके फिल्म के साथ डिसजॉइंट होता हुआ नज़र आता है एक पॉइंट के बाद तो आपको इस फिल्म में चीज़ें जिस तरह से जिस परपज़ के साथ दिखाई जाती है वो समझना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म का फ्लो दिखाया जाता है वो भी उतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं तो और साथ ही में जो कैरेक्टर्स थे काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जिसके चलते चीज़ें कन्फ्यूजिंग नज़र आने लगती है जिस तरह का जो एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है सेकेंड हाफ के स्क्रीन प्ले में वो पूरी तरह से एक तरीके से पार नजर आता है तो कुल मिला के सत्य भामा का जो एक अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है मूवी काफी सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करती है अलग अलग मैसेज के साथ जहाँ पे चीजें डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ चीजें जो दिखाई हुई है वो बढ़िया है देखने में मजा तो आएगा लेकिन डायरेक्टर उसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए इस फिल्म में श्रीचारण पकल्ला का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया था बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दमदार तरीके से दिया हुआ एक गाना था वो भी फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क करता है प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग नज़र आती है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी नीट नज़र आती है एडिटिंग थी वो एक फास्ट फेस दिखाई हुई थ्रू आउट द फिल्म जिसके चलते कई जो की रीजंस थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग नज़र आने लगते हैं लेकिन ओवरऑल फास्ट एडिटिंग थी इसके चलते चीज़ें चल जाती है डेब्यूटन डायरेक्टर सुमन चिकल्ला ने फिल्म के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है स्क्रीन प्ले में ही कमी थी खास करके बाकी तो कैरेक्टर्स उन्होंने जो मेन कैरेक्टर डेवलप किया था वो बढ़िया था लेकिन जो स्क्रीन प्ले था उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकते थे और चीज़ें हमारे सामने अंडरस्टैंड हो पाए उस तरह से दिखा पाते थे कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम रखते थे बढ़िया रहता इसके अलावा इस फिल्म में आपको कई ऐसे सप्लॉट्स देखने को मिलते एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो फिल्म को पूरी तरह से आपको मिक्सअप करती हुई नज़र आती है जिसके चलते फिल्म का मेन मोटिव आप भूल जाते हो कुल मिला बात करें सत्या भामा की एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे काजल अग्रवाल को अपने अवतार में देख सकते हो स्क्रीन प्ले डेफिनेटली अच्छा नहीं है लेकिन काजल अग्रवाल की तरफ से इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है उसको हमारे सामने भी रखने की कोशिश की हुई है तो एक अच्छा इंटेंसन वो था फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलते एक्शन सिक्वेंस थे जो काजल अग्रवाल के वो भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आते नेरेसंस में अनवॉन्टेड कन्फ्यूज़न वाले सीस नज़र आते उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ओवरऑल काजल अग्रवाल के आप बहुत बड़े फैन हो या कुछ अच्छे मैसेजेस वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को देख सकते हो सत्यभामा फिल्म को थिएट्रिकली सात जून दो हज़ार चौबीस को रिलीज़ किया था जिसको आई के ऊपर करीबन करीबन छः पॉइंट चार की रेटिंग मिली दस में से बारह सौ वोट मिले हुए दो पॉइंट पचपन करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन था और उसके बाद में फिल्म उतनी कुछ खास चली नहीं जहाँ पे ओ टी टी राइट्स थे वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को बेचे हुए थे तेलुगु वर्जन के लिए हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे श्री इंटरनेशनल मूवीज़ वालों ने फ़िल्म को सेम नाम यानी कि सत्य नाम के साथ ही प्रीमियर करवाया हुआ था जहाँ सॉरी उन्होंने उस नाम के साथ ही फिल्म को डब करवाया था फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओ टी पे देखना है तो तेलुगु वर्जन में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डव्ट वर्जन है वो बिल्कुल फ्री में सत्य भामा नाम के साथ जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इसको विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सत्यभा फिल्म है अभी फिलहाल में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलुगु वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे हिंदी डव्ट वर्ज़न में आपको ये फ़िल्म सत्य नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से सत्य फिल्म आप तेलुगु हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस सत्य फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बुक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू